Hello, students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming exams. And this video especially for the students who old syllabus. Se Last time when I video post video, I saw many of you are from old syllabus or you have queries here old syllabus timetable, important topics, sab kuch hai. everything will be there on this channel. So make sure that you're subscribed to the channel already, right? And if you're new to this channel, let me introduce my

यू you नो know, पता नहीं हम सिलेबस जो है क्योंकि न्यू सिलेबस है न्यू सिलेबस को एक तरीके से अपडेटेड और न्यू सिलेबस इसीलिए कहा जाता है विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू न्यू सिलेबस न्यू इसीलिए होता है बिकॉज वो अपडेटेड होता है बट रियली दैट दैट रियली मीन्स दैट ओल्ड सिलेबस आउटडेटेड होता है दैट नीड्स टू बी यू नो डिबेटेड टुडे तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो सारे बच्चे जो ओल्ड सिलेबस में हैं और जो ये सोच रहे हैं कि ओल्ड सिलेबस अच्छा नहीं है ओल्ड सिलेबस में देने के बहुत सारे नुकसान हैं और ओल्ड सलेबस आउटडेटेड है उनके लिए ये वीडियो बहुत अजेंशियल रहेगी एंड तक देखना यू you नो know, आपको पता है कि हर अटैम्प्ट के साथ जो पुराने अटैम्प्ट का सिलेबस होता है मेरे अकॉर्डिंग तो वो भी आउटडेटेड है आप बोलोगे कैसे क्यों आप अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ते हर अटैम्प्ट में आप देखोगे कि लॉ में टैक्स में अमेंडमेंट्स आ जाती हैं इसका मतलब है जो पुराने अटैम्प्ट का सिलेबस है वो तो आउटडेटेड हो गया करेक्ट अब आप ये सोचो कि इस बार आपने अटैम्प्ट क्लियर कर लिया और जैसे ही आपकी डिग्री आई फिर से अमेंडमेंट्स आ गई या पूरा का पूरा लॉ ही चेंज हो गया जैसे मेरे केस में आ, मैंने कंपनीज एक्ट नाइनटीन में एग्ज़ाम्स दिए एंड एज सुन एज आई वॉज क्वालिफाइड कंपनी सेक्ट्री टू एक्ट पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो गया तो आप खुद सोचो अब तो मेरी तो पूरी की पूरी पढ़ाई अब आउटडेटेड हो गई मैंने तो लॉ ही कोई और पढ़ा था और अब कोई और लॉ आ गया सो द पॉइंट हेयर इज कि नथिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट कुछ भी यहाँ पे ऐसे परमानेंटली नहीं आया है स्पेशली वैन वी टॉक अबाउट आर सिलेबस स्पेशली वैन वी टॉक अबाउट आर एजुकेशन स्कूल की ही बात कर लो जब हमने जो चीजें पढ़ी थी वो आज के बच्चे नहीं पढ़ रहे इसका मतलब हम आउटडेटेड हो गए नो no. ओल्ड सिलेबस पुराना ज़रूर है ओल्ड सिलेबस में ऐसे टॉपिक जरूर हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली आउटडेटेड है और उससे आपको सिर्फ नुकसान ही होगा दिस इज नॉट द केस मैंने पहले भी ये बात डिस्कस करी है कि अगर आपको साइकोलॉजिकली लग रहा है दैट आई कैन क्लियर इन ओल्ड सिलेबस गो अड एंड क्लियर इन ओल्ड सिलेबस कोई वजह है कि सी एस का इंस्टीट्यूट भी अलाउ कर रहा है आपको एक या दो अटैम्प जो आपके पेंडिंग है और नहीं जो आपके पेंडिंग अटैम्प्ट वो देने के लिए सो so, बजाए कि इस वक्त ये सोचना कि यह सिलेबस आउटडेटेड है ये सिलेबस पुराना है अगर आप मन लगा के पढ़ाई करोगे दैट वुड बी वे वे बेटर ट्रस्ट मी विद दैट यू नो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कंप्लीटली आउटडेटेड नहीं है अभी तक तो भी तो यही पढ़ रहे थे ना ठीक है तो एक दो अटैम्प्ट में क्या आउटडेटेड हो गया एक दो अटैम्प्ट में एकदम बेकार हो गया नो इट इज़ नॉट लाइक दैट हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है ये बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है हाँ न्यू सिलेबस अपडेटेड ज़रूर है और वो तो होना भी चाहिए ठीक है हर पाँच साल में सिलेबस जो है चेंज होता है जो बच्चे इस टाइम पे यू नो अटेम्प्ट में होते हैं ऑफकोर्स उनके लिए थोड़ा टफ़ होता है बट आई थिंक वी ऑल हैव सीन दिस न्यू ओल्ड सिलेबस वाला फंडा तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है ये जो थोड़ा सा टाइम आपके पास बाकी है जून के अटैम्प्ट के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट फोकस ऑन प्रेपरेशन बजाय के अपने डिसीजन्स को सेकेंड थाट्स देना बजाय के अपने आप को टेंशन देना अच्छा रहेगा कि आप प्रेपरेशन पर फोकस करोगे और जून के अटैम्प्ट को जी जान से देकर के उसे क्लियर करने की कोशिश करोगे दिस इज़ वॉट आई पर्सनली फ़ील ये टाइम कोई ज़्यादा डिबेटिंग का नहीं है ये टाइम अपना टाइम वेस्ट करने का नहीं है जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ जस्ट फोकस ऑन योर प्रेपरेशन दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू यू नो ये चीज ये आउटडेटेड है ये ऐसे है ये वैसे ये सब करने से वैसे भी कोई फायदा नहीं है राइट सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोस ऑन योर प्रेपरेशन टू फोकस ऑन योर स्टडीज एंड गिव अटैम्प इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आउटडेटेड है वो अपडेटेड है ये सारी बातों में बच्चे फंस जाते हैं ना आजकल दैट यू नो पढ़ाई का तो वक्त ही नहीं मिलता यही सब करते रहते हैं सो आई वु ओनली से वो बच्चे जो जून में अटैम्प्ट दे रहे हैं अपना ओल्ड सिलेबस के अंडर प्लीज़ अपनी पूरी जी जान लगा दो डोंट एक्सपेक्ट कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी वो भूल जाओ दैट इज़ सेकेंडरी इस चीज़ के बारे में हमने ना सोचना है ना बोलना है हमने सिर्फ सोचना है प्रेपरेशन के बारे में प्रेपरेशन कैसे करनी है और इस बार क्लियर कैसे करना है दैट नीड्स टू बी थॉट एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर ओके तो ये जो चीज़ें हैं इन इन पे आपने जो है गौर करना है और बस अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के मन में गिल्ट आ जाता है कि शायद हम पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं यू you नो know, बहुत पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत पुराना सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो दो तीन अटैम्प्ट पहले यही पढ़ रहे थे सारे राइट तो ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड नहीं है हाँ न्यू सिलेबस अपडेटेड है लेकिन साइकोलॉजिकली कई बार बच्चों ने क्लासेस ली होती हैं या वैसे ही उनका माइंडसेट ऐसा होता है तो अगर आपको लगता है कि आप ओल्ड में क्लियर कर सकते हो तो आप ओल्ड में ही अटैम्प दो जस्ट डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट बस मैं तो यही बोलूंगी जल्दी जल्दी से जून 24 का अटैम्प जो है वो क्लियर कर लो सो दैट आप फटाफट से प्रोफेशनल में चले जाओ राइट

में आ रहा है कि आउटडेटेड हो जाएगा या न्यू सिलेबस बहुत ज़्यादा अपडेटेड है वो क्लियर हो गया होगा एंड आई होप कि आप इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाओ और फटाफट से प्रोफेशनल में आ जाओ एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड आई सी यू वेरी वेरी सून एंड अदर वीडियो टिल्स एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस एंड कीप द प्रेपरेशन जोन बाय बाय